ब्रुनेई से सिंगापुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, भारत के पारंपरिक नाच गाने से स्वागत, प्रधानमंत्री ने खुद ढोल बजाया। होटल के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे, सिंगापुर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात, बिजनेस लीडर्स के साथ मिलने का भी कार्यक्रम। ब्रुनेई से सुल्तान और पीएम मोदी की मुलाकात में कई मुद्दों पर समझौते, कहा दोनों देशों के संबंध और मजबूत, रक्षा और सामुद्रिक साझा अभ्यास पर चर्चा। त्रिपुरा में शांति समझौते पर दस्तखत, भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और त्रिपुरा टाइगर फोर्स के बीच हस्ताक्षर, गृहमंत्री अमित शाह और सीएम मानिक मौजूद। त्रिपुरा में शांति समझौते पर अमित शाह का ट्वीट, लिखा मोदी जी के नेतृत्व में सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हुए समझौते का अक्षरशः किया जाएगा पालन। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए 6 सितंबर से गृहमंत्री अमित शाह प्रचार अभियान का करेंगे आगाज, जम्मू में जारी करेंगे पार्टी का घोषणा पत्र, 7 सितंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन का संबोधन। सीएम योगी और अखिलेश के बीच जुबानी जंग तेज, मुख्यमंत्री ने कहा बुलडोजर पर हर किसी का हाथ नहीं हो सकता, सेट चलाने के लिए चाहिए दिल और दिमाग। अखिलेश ने किया योगी पर पलटवार, कहा असंवैधानिक काम और बुलडोजर के लिए सरकार माफी मांगेगी क्या, बुलडोजर में दिमाग नहीं स्टीयरिंग होता है। सीएम योगी ने भेड़िये का हवाला देकर अखिलेश को घेरा, कहा आज जैसे कुछ इलाकों में भेड़िये का आतंक है, वैसे ही 2017 से पहले सपा वालों से भी लूट अराजकता करने का भय था। अखिलेश ने ट्वीट से फिर बोला सीएम योगी पर हमला, लिखा अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव क्यों नहीं लड़ जाते। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हो सकता है विधानसभा चुनाव के लिए सीटों पर गठबंधन, कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया और आप सांसद राघव चड्ढा में मुलाकात। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने 19 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, उचाना से लड़ेंगे दुष्यंत चौटाला, डब्बाली से दिग्विजय चौटाला को टिकट। जम्मू कश्मीर जाने से पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से मिले राहुल गांधी, हरियाणा में दोनों के चुनाव लड़ने की अटकलें, कि दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से मुलाकात। जम्मू कश्मीर के रामबन में राहुल गांधी की चुनावी रैली, कहा सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी के फायदे के लिए कर रही है काम, बीजेपी और आरएसएस फैला रहे हैं देश में नफरत। जम्मू कश्मीर बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग का कांग्रेस पर पलटवार, कहा पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की धुन पर नाचती है कांग्रेस। देश के कई जिलों में अभी भी बाढ़ से हालात खराब, विजयवाड़ा में भारतीय वायुसेना ने पहुंचाई राहत सामग्री, 6 MI-17 और 2 चेतक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश, राजधानी की कई इलाकों में पानी भरा, लोगों को आने जाने में परेशानी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी मूसलाधार बारिश की मुसीबत, राजीव चौक में जबरदस्त जलजमाव, कई घरों में पानी घुसा। सूरत में तेज बरसात से बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन से ली गई बेलाव गांव की बदहाल स्थिति की तस्वीर। आगरा में भी भारी बारिश के बाद शहर की मुख्य सड़कों पर जमा पानी, निकासी में लगे घंटे। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में 12 जोन में 7 पर बीजेपी की जीत, आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीट, साउथ जोन में टॉस के जरिए आपकी जीत, 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के अब 9 सदस्य। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी से की मुलाकात, मैती समुदाय की सुरबला देवी की हत्या के बाद नाराज लोगों की बात, कुकी आतंकियों पर आरोप। पीएम मोदी ने पैरालंपिक्स के सभी खिलाड़ियों को दी बधाई और शुभकामनाएं, ट्वीट में लिखा भारत को आप पर अभिमान है।